दोस्तों, ये कलयुग का समय चल रहा है। इसमें बालाजी या कहें पवन पुत्र हनुमान जी के प्रति लोगों में बहुत ज्यादा आस्था है। राजस्थान में एक विश्व विख्यात मंदिर है जिसे मेहंदीपुर बालाजी कहते हैं। जहाँ पर लोग दूर दूर से बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर आप भी कभी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में गए होंगे तो आपने देखा होगा मंदिर में एक रेलिंग है, वहाँ पे असंख्य ताले लटके हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ताले टांगने के पीछे का रहस्य क्या है? आपको पता नहीं होगा। अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल आते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भूतों को बांध कर रखा जाता है। आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या खास है कि वहाँ से भूत भाग जाते हैं? आखिर क्यों ये मंदिर अन्य मंदिरों से बेहद अलग है? और इस मंदिर के प्रसाद को आखिर क्यों खाने दिया नहीं जाता? क्यों डरते हैं लोग इस मंदिर में जाने से? आखिर क्या होता है ऐसा कि जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो यहाँ से खुशी खुशी अपने घर वापस आता है? आखिर क्यों लगती है यहाँ पर प्रेतराज सरकार की अदालत? क्यों कहा जाता है इसे भूतों की सबसे बड़ी जेल? इन सभी बातों को आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो स्किप मत करिएगा दोस्तों, पूरा का पूरा जरूर देखिएगा, जिससे आपको मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर का रहस्य पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण उपाध्याय और आप देख रहे हैं विचार मेरा। अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो इस वीडियो में मैं आगे बढ़ता हूं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की। इस मंदिर के बारे में आज आपको कुछ ऐसे रहस्यों को बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप तंग रह जाएंगे। राजस्थान स्थित मेहंदीपुर बालाजी महाराज के इस मंदिर में तीन देवताओं का वास है, जिसमें हनुमान जी हैं, प्रेत सरकार हैं और भैरव बाबा। इन तीनों की प्रतिमा इस मंदिर में स्थापित है। यहाँ पर हनुमान जी को बूंदी से बना लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल तथा भैरव को उड़द की दाल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पहुँचते ही लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। यहाँ का दृश्य इतना भयावह होता है कि देखने वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी का रहस्य क्या है, अब हम इस बारे में चर्चा करेंगे। इस मंदिर के कुछ खास रहस्य हैं जिसकी गुत्थी आज भी विज्ञान के आगे उलझी हुई है। इस मंदिर में आने वाले पीड़ित लोग भी खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। दरअसल जिन भी लोगों के ऊपर भूत प्रेत ऊपरी बाधा जैसी साया फिर जो काले जादू से ग्रसित होती हैं, वे इस मंदिर में आकर ठीक हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है, इस बात को जानने के लिए कई शोधकर्ता मंदिर में आए, लेकिन उनका विज्ञान भी इस मंदिर के चमत्कार के आगे फीका पड़ चुका है। अब हम बात करते हैं मंदिर के बाहर लगे रेलिंग पे ताले क्यों लगाए जाते हैं। इन तालों का रहस्य जानकर आप चकित हो जाएंगे। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के महंत या पुजारी या जिन पर बालाजी महाराज की अतिशक्ति आती है, पीड़ित व्यक्ति वहां जाकर संपर्क करते हैं और तालों के माध्यम से अपने संकटों का बंधन करवाते हैं। गुरु या महंत जिन पर बालाजी महाराज की कृपा होती है, उनके सानिध्य में ही विधि विधान से ताला लगाया जाता है और उसका लाभ प्राप्त किया जाता है। यह एक विडंबना है कि कुछ लोग पूरी जानकारी जानते तो है नहीं, लेकिन देखा देखी वो स्वयं ताले खरीद कर मंदिर के बाहर की रेलिंग पर ताले लगा आते हैं, जो कि गलत है। आपको ये नहीं करना चाहिए। वहाँ के महंत से बात करके अपनी प्रॉब्लम बता के उनसे ही ताला बदवाने की क्रिया को करवाइए। अन्य मंदिरों की परंपराओं की तरह कुछ भक्त यह समझकर ताला लगा आते हैं कि यहाँ ताला लगाने से उनकी मनोकामना पूरी होती है, लेकिन जो कि सरासर गलत है। जबकि ताले लगाने का सही कारण कुछ और ही होता है, जो कि हम आपको समझा चुके हैं। ऐसे भक्तों को चाहिए कि मनोकामना हेतु आप बालाजी महाराज को अर्जी लगाएं, मनोकामना पूरी होने के बाद वहां जाएं और उनकी सेवा करें। तो दोस्तों, आपको पता तो चल ही गया कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बाहर ये रेलिंग जो लगी है वहां ताले क्यों लगाते हैं। अगर आप भी भूत प्रेत काले जादू से परेशान हैं, आप सभी डॉक्टर को दिखा चुके हैं, आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको मेहंदीपुर बालाजी एक बार तो ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको 100% आराम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत दूर दूर से पीड़ित व्यक्ति अपने इलाज के लिए आते हैं। यहाँ पर दैवी शक्ति आज भी है, यहाँ पे चमत्कार होते रहते हैं। आप वहाँ जाएंगे तो आपको साक्षात देखने को मिल जाएगा।
दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्त परिवार में इसे शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।